बाकी सब लोग तो ठीक है, लेकिन अवनी, अवनी कितनी बदल गई है। कभी कुछ भी बोल देती है, कभी कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। राज, जी कहिए, आपको क्या कहना है हमसे? राज, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारा तो पूरा रवैया ही अजीब हो गया है। राज, मैं अभी भी वही अपनी जो पहले थी, लेकिन तुम ये मत भूलना कि अब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है। हम जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं राज, हम हस्बैंड और वाइफ बनने जा रहे हैं, और इसे रिश्तों में बदलना नहीं, रिश्तों में ढलना कहते हैं। और ये जो नया रिश्ता है हमारा, वो सिर्फ हम दोनों को नहीं जोड़ता, माँ पापा बाऊजी फूफा साहब बुआ साहब सबको जोड़ रहा है। पहले जो अवनी थी, वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचती थी राज, लेकिन अब मुझे सबकी मान मर्यादा के बारे में सोचना है। मेरा स्वभाव, मेरी बातें, मेरा बर्ताव, सब में मेरे परिवार के दिए हुए संस्कारों की छवि दिखेगी, और मैं नहीं चाहती कि इस छवि में कोई भी दाग लगे। इसलिए मैं वही कहूँगी, वैसे ही पेश आऊँगी जैसे इस घर की बेटी को आना चाहिए, जैसे तुम्हारी पत्नी को आना चाहिए। हाँ, कुछ बदलाव जरूर आ रहे हैं राज, और ये बदलाव हमें और बेहतर बना देगा राज, और इस मांग को पूरा करना तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। यशोदा नंदन की जय। सावरी, दिए में ना घी भर देना, रात भर जलना है ना। भाभी, अर्पिता है ना, वो दिए का ध्यान रख लेगी, कम ज्यादा सब देख लेगी, आखिर इस घर की बहू है, इतना तो कर ही सकती है। लेकिन अर्पिता भाभी की तो कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कल जन्माष्टमी है ना, तुम फेस्टिवल मनाओगी या काम पे जाओगी? घर में भी काफी सारे काम है जो कि जरूरी है। नहीं अक्षत, ये जा सकती है, मीटिंग करके आ जाएगी। और मम्मी जी, दिए की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं देख लूंगी रात भर। भाभी, कल आपकी मीटिंग है ना, इसलिए आपको आराम करना ज्यादा जरूरी, मैं देख लूंगी। नहीं अपनी, मुझे वैसे भी मीटिंग की तैयारी के लिए जागना है, तो डोंट वरी, हो जाएगा। अवनी, कमाल है, इतनी रात तक जागी हो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए ना। एक्सक्यूज मी, खुद को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, आज जन्माष्टमी इसलिए हम लोग जाग रहे हैं। हाँ तो मुझे ही पता है अवनी। अरे इतना इम्पोर्टेंट दिन है, और मैं तो गोवन जी का परम भक्त हूँ। आखिर उन्हीं के मंदिर में तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। अवनी, इतने रात को किससे बात कर रही? पापा, वो राज जन्माष्टमी विश करना चाहता था। अच्छा, लाओ मुझे दो, मैं भी विश कर दूं। हाँ राज भाई, जन्माष्टमी की तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयां। आपको भी सर, मेरा मतलब है पापा। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा हो गई? पूजा नहीं तो मतलब, हाँ हमारे यहाँ कल दिन में जन्माष्टमी की पूजा है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं जन्माष्टमी हमारे यहाँ। पंडित जी हमारे घर आते हैं, सारी फैमिली एक साथ होती है, पूरी फैमिली। तो भाई अब तो हमारा परिवार भी तुम्हारे परिवार से जुड़ गया है, तो कल हम भी तुम्हारे यहाँ आएंगे। ऑफ कोर्स, जरूर आइएगा। ओके। हे भगवान, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि हम पूजा करते हैं, हम तो ऐसे कोई भी पूजा नहीं करते, अब कल क्या करेंगे? हाँ,
कल बाबूजी तो मंदिर जा रहे हैं, तो तुम मैं और भावना हम चलते हैं राज के यहाँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। यस। ये राज फोन क्यों नहीं उठा रहा? आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छे से हो। पापा इन सब चीजों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। अवनी तू अभी तक यहाँ खड़ी है? बेटा तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं हमारा। चल। हे भगवान, मैं तो मिस्टर एंड मिसेस कपूर को घर पे बुलाए हुए जन्माष्टमी के लिए, अगर लौटने में देर हो गई तो। अच्छा तू एक काम कर, उनको फोन करके मना कर। माँ उन्हें मना क्यों कर रही हो? मैं और अर्पिता है ना, हम लोग संभाल लेंगे। और वैसे भी नए रिश्ते बन रहे हैं तो पुराने रिश्तों को भूलना तो नहीं चाहिए। ठीक है चल। माँ सावरी बुआ सा नहीं आ रही? वो जन्माष्टमी मनाने अनाथालय गई है, आ जा। जब मम्मी जी उन्हें मना कर रही थी तो रोका क्यों तुमने उन्हें? तुम जानते हो ना मेरी मीटिंग है। क्यों? तुम ही ने कहा था ना कि तुम घर और करियर दोनों मैनेज करोगी, तो करो मैनेज अब। और हाँ, मेहमानों का प्रसाद जरा अच्छे से बना दे। सब कुछ ऑलरेडी तैयार है और मैं अभी मीटिंग के लिए निकल रही हूँ, उनके आने से पहले वापस आ जाओ। अच्छा सुनो, जल्दी वापस आ जाना। और तुम जा कैसे रही हो? मेरी गाड़ी ले जाओ। नो थैंक्स, मेरा काम है ना, मैं टैक्सी या रिक्शा ले लूंगी, तुम चिंता मत करो। पता नहीं पूजा का इंतजाम सही होगा कि नहीं, अक्षय भैया भी यहाँ के माहौल के बारे में इतना कुछ बोल चुके, पापा के सामने कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे हमारी पूजा बिटिया तो बिल्कुल नन्ही सी राधा रानी लग रही है। अरे शेरू जी, सुखे जी, आइए आइए आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। ये चाचा जी और ये हमारे संबंधी सुकेत खंडेलवाल जी। खुश रहो। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी, हमारे राज के साथ खूब जोड़ी जमेगी। आप इनके चाचा जी हैं, यहाँ जयपुर में ही रहते हैं? मैंने सुना है कि आपके भाई साहब और भाभी जी भी जल्दी आने वाले। यजमान जी आप लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, पूजा का समय हो चुका है। आइए आइए चलिए। सुकेत और भानुमान की दोनों को मेरे सगे चाचा और चाची समझ बैठे, अब क्या होगा? ओए राज, तुझे क्या जरूरत है कहने की कि पूजा में हमारे घर वाले शामिल होंगे? और ऊपर से ये भी कह दिया कि हम ये पूजा बड़े रीति रिवाज से करते हैं। अरे कैसे रीति रिवाज? अरे बड़े मुश्किल से इन लोगों को राजी करके लाया था, अब ये भी नहीं कह सकते कि हमारे कुछ नहीं लगते। ओए राज मरवा दिया आज। क्या ये आपके पड़ोसी रिश्तेदार नहीं? अवनी मैं चाहता था कि ये पूजा रीति रिवाज के साथ हो, सारा माहौल सही नजर आए, तुम्हारा परिवार पहली बार मेरे घर आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन पापा और माँ को लगता है कि आपके असली चाचा चाची पकड़े गए तो? पूजा का समय हो रहा है, चले जी आई। लीजिए अंकल आंटी प्लीज। नहीं आज हमारा व्रत है, बस बहू के हाथ से थोड़ा प्रसाद ले लेंगे। एक्चुअली हमें जरा जल्दी घर जाना है वरना लौटते समय देर हो जाएगी। बहू किसी काम में उलझी हुई है क्या? नहीं नहीं आंटी, वो तो बस 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 ये लो भैया पैसे। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। सॉरी वो मीटिंग में थोड़ी देर हो गई, मैं प्रसाद अभी लाती हूँ। अरे अक्षत बेटा, ये तुम्हारी वाइफ कहीं बाहर काम करती है क्या? इसकी क्या जरूरत आन पड़ी भाई? मैं
बहू तुम रिक्शा से आई हो, गाड़ी खराब हो गई थी क्या? नहीं आंटी जी, वो रिक्शा से मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ ना, इसलिए। अच्छा, आजकल तो अक्षत का हाथ बटा रही हो उसके काम में। जी नहीं अंकल, मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, कोई कमाई नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। तुम्हें हुआ क्या अर्पिता? एक तो तुम लेट आई और ऊपर से रिक्शे में, पता कितनी बेइज्जती हुई हमारी। तो तुम्हारी नजर में मेरा काम सिर्फ टाइम पास है? मेरा हौसला बढ़ाने की जगह तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो सबके सामने। घर के सारे काम देखती हूँ, आज जन्माष्टमी के दिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया, तुम्हारे मेहमानों का ख्याल रखा, इसकी कोई अहमियत नहीं है तुम्हें? कोई रिस्पेक्ट नहीं? किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की इज्जत करना सबसे ज्यादा मायने रखता है अक्षत, और अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने जो कुछ कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। तो तुम्हारे इस सो कॉल सही को मैं गलत साबित कर दूंगी। टाइम पास कहा ना तुमने मेरे काम को, अब देखना ये टाइम पास मुझे क्या से क्या बना देता है। और हाँ, कार से जरूर ट्रैवल करूंगी मैं, लेकिन जब अपने कमाए हुए पैसों से गाड़ी खरीदूंगी तब। अब श्लोक पाठ का समय हो गया है। श्लोक मैं सुना दूं? हाँ नहीं, आप नहीं सुना सकते, श्लोक का पाठन तो माधुरी को करना चाहिए, आखिर माधुरी इस घर की बेटी जो है। सुकेत सर, पापा सही कह रहे हैं। जीजी श्लोक आता है? नहीं अवनी, अब तो भगवान भी हमें बचा नहीं पाएंगे, अगले 2 मिनट में हमारा पोल खुलने वाला है। राम नारायणं जानकी वल्लभं, नाम जपते रहो काम करते रहो, हर समय कृष्ण का नाम जपते रहो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोलो लड्डू गोपाल की जय। कितना सुंदर श्लोक गाया आपने। हे कानन जी, आपने बचा लिया, थैंक यू। बस अब और कोई मुसीबत ना आए। ये आप? तुम पूजा की माँ हो ना? पूजा वो बच्ची जिसे तुम कुछ साल पहले अनाथ आश्रम में छोड़ाई थी? नहीं नहीं, मैं बच्ची नहीं। पता नहीं आप क्या कह रही हो। घबराओ मत, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मुझे माफ कर दीजिए, पैर पड़ती हूँ आपके। मैं क्या करती मैडम, खुद के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती, उस बच्ची का पेट कहाँ से भरती? उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। कैसी माँ हो तुम, नन्ही सी जान को अकेला छोड़ दिया और एक बार पलट के तक नहीं देखा। अरे तुम गरीब हो, अपाहिज तो नहीं? मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल नहीं सकती थी क्या? क्या तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आती?
क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम उसे जाकर वापस ले आओ? एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, मैं ना ले सकती बच्चे की जिम्मेवारी। मेरा तो नसीब ही खोटा है। अपने नसीब को मत कोसो, बहुत नसीब वाली हो तुम। जब पूजा तुम्हारी बेटी है, अरे लॉटरी का टिकट है वो, लॉटरी का टिकट। क्या पूजा लॉटरी? कैसे? जैसा मैं कहूंगी, अगर वैसा करोगी ना तो मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगी कि तुम कभी भी ये गरीबी का रोना नहीं रहोगी। ठाट से रहोगी, ठाट से, समझी तुम? बहुत अच्छी जन्माष्टमी मनाते हैं आप लोग। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि हमसे भी कहीं बढ़िया तरीके से मनाते हैं। सब कुछ परंपरा के हिसाब से किया है। पंडित जी ने पूरी पूजा विधि विधान के साथ कराई। आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों को बुलाया, वाकई में मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। खोए का प्रसाद इतना टेस्टी है, इसे तो रात भर कढ़ाई में रखना पड़ता है। बहुत मेहनत की आपने। जी जी को प्रसाद बनाना आता है? नहीं अवनी, ये तो हमने बाहर से ऑर्डर किया है, इतना टाइम थोड़ी ना था। तुम लोग जन्माष्टमी मनाते कैसे हो? हम तो पड़ोस के बच्चों के साथ हुड़दंग मचाते हैं, उन्हें दही माखन खिलाते हैं और फिर बहुत सारी मस्ती करते हैं। ये सब तो तुम्हारे पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए है। राज, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माधुरी, तुम्हारे यहाँ पूजा में आकर मुझे बहुत खुशी मिली और बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ नेक दूं। ठीक है, तुमसे शुरुआत करता हूं। ये लो। नहीं पापा, हम ये नेग नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, लेकिन क्यों? कि हम इसके लायक नहीं है पापा। ये दोनों अंकल आंटी, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। वो तो हमारे पड़ोस में रहते हैं और उसका मिलना इसलिए उन्हें चाचा और चाची बुलाते हैं। लेकिन जब आपने और भावना आंटी ने उन्हें हमारे सगे चाचा और चाची समझ लिया तो हम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाए। और हम चाहते थे कि ये पूजा आपकी नजर में परफेक्ट हो, इसलिए हम चाहते हुए भी आपसे सच नहीं बोल सके। हाँ, मुझे भी कोई श्लोक या भजन नहीं आता। इनफैक्ट हमने तो इस तरीके से आज तक कोई पूजा की ही नहीं। वो आपने जब श्लोक पढ़ने के लिए बोला तो एक और बात, ये प्रसाद का खोया मैं मार्केट से लेकर आया था, इतना वक्त ही नहीं मिला कि खुद घर पे बना सके। पापा, सच बात ये है कि हमें किसी बड़ी पूजा हवन का कोई तजुर्बा नहीं है, हम इन सब मामलों में बहुत कच्चे हैं। लेकिन आप लोग दिल के तो सच्चे हैं ना, और बहुत अच्छे। तो क्या हुआ अगर आप लोगों को रीति रिवाज इन सब चीजों के बारे में नहीं पता? मुझे आता है, मेरे माँ और पापा ने मुझे सिखाया है, और जब मैं शादी करके बहू बन के इस घर में आऊंगी तो देख हम इस घर को एक नया रूप देंगे, है ना? राज, कि तुम नहीं चाहते कि हमें कोई भी बदलाव आए, जस्ट बिकॉज हमारी शादी हो रही है, उसी तरह हम भी नहीं चाहते कि तुम बदलो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, हमें खुश करने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम दोनों ने तो एक दूसरे की खामियों से प्यार किया है, है ना? मैं इस घर में अपनी परंपरा लेकर आऊंगी और आप लोग मुझमें थोड़ा सा पागलपन डाल देना, फिर दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। ओके, है ना पापा? राइट।
भाई तुम्हें अपना फेस्टिवल उसी तरीके से मनाना चाहिए जिस तरीके से तुम मनाते आए। और मैं जानती हूँ कि ये कैसे हो सकता है। एक तो बच्चों वो देखो वही दूध माखन तुम्हारे जशन अंकल और राज भैया ने सब कुछ तैयार रखा है, तो अब जमकर एंजॉय करो। कम ऑन एवरीवन। बच्चे तो सचमुच के बाल गोपाल और उनके साथ ही लग रहे हैं। इतने सारे माखन चोर, बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के। जन्माष्टमी मनाने का तो इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है।